हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लैम गाइड। सो आज हम करने वाले हैं बंगाली लुक, जिसके लिए सारे प्रोडक्ट यूज़ होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज किया, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। इसके लिए मैंने पॉन्स का लाइट वेट जेल यूज़ किया है, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डीप मॉइस्चराइज करता है। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है स्यूस ब्यूटी का मेकअप बेस, जो कि बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। एंड जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप देखिएगा फेस पे इतना अच्छा ग्लो देता है, इतना हाइड्रेट करके इतना अच्छा ग्लो देता है। आप खुद देखेंगे कि ऐसा लगेगा मैंने हाइलाइटर यूज़ कर दिया पूरे फेस पे। बट ये बेस है स्विस ब्यूटी का, बहुत अच्छा सा आपको बेस प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा है। मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइज। सो आप देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आईज़ मुझे पहले करनी थी, जस्ट बिकॉज थोड़ी हैवी आईज़ रहती हैं बंगाली लुक में। सो मैंने उसके लिए पहले आई प्राइमर यूज़ किया है, सो दैट कि जो भी हमारा मेकअप बेस है, मेकअप आई मेकअप है, वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर ब्रश की हेल्प से पहले आईज़ के ऊपर कंसीलर किया है, सो दैट कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हम जो भी आई शेडो यूज़ करने वाले हैं, उसके कलर्स अच्छे से पॉप आउट होकर आएंगे। सो मैं यहाँ पे उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, सो कि क्रीज ना रहे हमारी आईज़ पे। अगर क्रीज आ जाती है तो वो विजिबल होती है। सो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। आई शेडो पैलेट मैंने लैक्मे का एब्सोल्यूट कलर लिया है, बहुत अच्छी पैलेट है, पिगमेंटेड पैलेट है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से पहले, डार्क ऑरेंज कलर से पहले मैंने इसका बेस क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं इसको, मैं सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हम लोग इसको बेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसको मैंने डार्क ब्राउन कलर से उसका क्रीज करने का कोशिश किया है। क्रीज मैं इसको कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से, हम आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की ओर ले जाते हैं। कट क्रीज मेकअप मैं यहाँ पे करूँगी आईज़ का, सो मैं उसको कंसील कर देती हूँ, जो भी हमारा क्रीज एरिया है उसको मैं कंसील कर दूँगी। एंड देन मैं अपना लूज पिगमेंट यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का। मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो भी पिगमेंट है मेरा स्विस ब्यूटी का, उसको मैं आईज़ पे अप्लाई कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। जब मेरा मेकअप फिनिश हो गया आईज़ का, देन मैंने यहाँ पे कलर करेक्ट किया है। मैंने इनसाइट का पैलेट लिया है यहाँ पे कलर करेक्टर का, जो भी डार्क पिगमेंटेशन है उसको हम ऑरेंज कलर करेक्टर की हेल्प से कट कर देंगे। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ उनके डार्क पिगमेंटेशन को कट करने के लिए। ऑल ओवर द फेस जहाँ जहाँ पे भी डार्क एरियाज हैं, डार्क सर्कल्स हैं, मैं उसको ऑरेंज कलर करेक्टर की हेल्प से कट कर दूँगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी, सो दैट कि वो सेटल हो जाए अच्छे से, उसको जो भी डार्क हैं उसको कवर, डार्क एरियाज हैं उसको कवर कर दें। देन उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है मेबलिन का सुपरस्टे 24 आवर्स, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छी कवरेज देता है। एंड मैं उसको एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब 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 करके सेटल कर दूँगी। तो ये हमें हमेशा डैब डैब करके ही अपना फाउंडेशन सेट करना चाहिए, सो दैट कि कोई भी लाइक ड्रैग मोशन में ये नहीं होना चाहिए, हमेशा डैब डैब करके ही फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर यूज़ किया है फॉर सेटल डाउन द मेकअप। जो भी मेकअप है हम उसको सेट करने के लिए लूज पाउडर यूज़ करते हैं, और जो भी इस हमारे लाइक पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स हैं, स्वेटिंग पोर्स हैं, उसको क्लोज करने के लिए भी हम लूज पाउडर का यूज़ करते हैं। एंड मैं आईज़ मेकअप को फिनिश करने के लिए यहाँ पे आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ, आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। फेसिस का आईलाइनर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। हम हमेशा बंगाली लुक में थोड़ा थिक लाइनर ही यूज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज वो बंगाली लुक को तभी जस्टिस मिलेगा जब उसकी आईज़ बड़ी बड़ी दिखेंगी। सो बड़ी आईज़ करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा थिक लाइनर यूज़ करेंगे। एंड देन आईज़ के नीचे हम काजल भी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि बंगाली लुक का मतलब ही आईज़ को शो करना है। आईज़ जब तक अच्छी सी नहीं दिखेंगी तब तक बंगाली लुक कम्प्लीट नहीं होगा। सो आईज़ लाइनर एंड काजल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। एंड सेकेंड मैं ब्लश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ब्लश मैंने फिट मी का मेबलिन यूज़ किया है। हम अपने चीक बोन से लेके उसको पीछे की ओर ले जाते हैं, अच्छे से उसको ब्लश को अप्लाई करेंगे। ब्लश आपको जैसा आपको ठीक लगे उस क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ब्राइट पिंक पसंद है तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का।
अगेन पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल ये बहुत अच्छा आपको पिगमेंट देता है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। हाइलाइटिंग एरिया आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप लिक्विड हाइलाइटर को लगा सकते हैं, उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिंगर टिप्स का यूज़ किया है एंड देन मैं यहाँ पे इसको दूसरी साइड भी अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। एंड गाइस लुक एट द ग्लो, आप ग्लो देख सकते हो उस हाइलाइटर का, कितना अमेजिंग है, कितना अच्छा इफेक्ट देता है। एंड देन मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई की है फेस की कम्फी मैट इन द शेड ऑफ 04। इफ़ यू गाइस लाइक द शेड यू कैन परचेज इट। एंड बहुत अच्छा इसका फिनिश है, आपको ज़्यादा चिप चिप नहीं कर दिया है लिप्स पे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, यू कैन सी द ग्लो, यू कैन सी द ग्लो क्लियरली, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग स्टनिंग गाइस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज।